How to fill IIT Jammu M.Tech Admission 2022 form. Hello students, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल प्रोसीजर ऑफ हाउ यू कैन फिल IIT Jammu M.Tech 2022 एप्लीकेशन फॉर्म. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो आपको IIT Jammu ऑफिशियल वेबसाइट के PG Admissions पेज पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है. IIT Jammu PG Admissions पेज की डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं. तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते ही पीजी एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा. अब आपको क्लिक हियर टू लॉग इन पर क्लिक कर देना है. नेक्स्ट आपसे यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगा गया है, तो आप नीचे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए. अब पीजी रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी डिटेल्स पूछी गई है, इन्हें आप केयरफुली एंटर कर दीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए. इंसर्ट पर क्लिक करते ही मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि पीजी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल. An email has been sent to your email ID. अब अपने email पर दिए गए user ID and password को note down करके email पर लिखे हुए sentence "Please click here to complete your application form" में दिए click here पर क्लिक कर दीजिए. अब click here to login पर क्लिक कर दीजिए. अब अपना user ID, password और captcha fill करके login पर क्लिक कर दीजिए. Login पर क्लिक करते ही important points to note display हो जाएंगे. इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए. कंटिन्यू पर क्लिक करते ही IIT Jammu M.Tech 2022 एप्लीकेशन फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा. इस फॉर्म में बेसिकली 5 पेजेस हैं, जिनमें आपको आपकी डिटेल्स एंटर करनी है. इम्पॉर्टेंट नोट, पेजेस आप किसी भी ऑर्डर में फिल कर सकते हैं, तो ऊपर दिए गए टैब से आप पेज का नाम सिलेक्ट करें और फिल कर लें. आप फॉर्म फिल करते वक्त एक पेज से दूसरे पेज पर आ सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं पेज 1 से. पूछा गया है एप्लीकेशन फॉर प्रोग्राम, पहले से ही प्रीफिल्ड आ रहा है एमटेक. एडमिशन टाइप में एंटर कर दीजिए इंस्टीट्यूट फुल टाइम, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है. स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना है तो आप मैक्सिमम 2 स्पेशलाइजेशन एंटर कर सकते हैं इन 1 एमटेक एप्लीकेशन फॉर्म. तो अपने चॉइस के एमटेक स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर लीजिए जिनमें आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं. नेक्स्ट आपकी पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स और एक्स्ट्रा डिटेल्स रिगार्डिंग डिसेबिलिटी पूछी गई है, तो इन्हें केयरफुली एंटर कर दीजिए. फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए. प्लीज नोट, जहां पर रेड डॉट लगा है वही डिटेल्स फिल करना मैंडेटरी है, बाकी सारे कॉलम्स आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं. तो ये सारी डिटेल्स भी आप केयरफुली फिल कर दीजिए और फिर क्वालिफिकेशंस पर क्लिक कर दीजिए. क्वालिफिकेशंस में आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स मैंडेटरली भरनी है. इन सभी डिटेल्स को केयरफुली फिल करने के बाद अदर्स पर क्लिक कर दीजिए और गेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल कर दीजिए. नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो आपको लिखना है इन 100 वर्ड्स. तो यहाँ आपको बताना है कि आप IIT Jammu की जिस भी ब्रांच में एमटेक करना चाहते हैं तो वो क्यों करना चाहते हैं, यानी कि पर्पस ऑफ परसुइंग एमटेक. प्लीज नोट, इस पेज पर कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा, तो आपको यहीं पर ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पूरा टाइप करना है. इसे लिखने के बाद डिक्लेरेशन में आई एम फुल्ली अवेयर के सामने बने बॉक्स को टिक कर दीजिए और फिर नेक्स्ट पेज यानी कि अपलोड्स पर आ जाइए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपलोड्स आपको सेल्फ अटेस्टेड ही अपलोड करने हैं. सबकी मैक्सिमम फाइल साइज आपकी स्क्रीन पर है, तो अपलोड्स में आपको मैंडेटरली अपलोड करना है 10th, 12th और ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, गेट स्कोर कार्ड और आपकी फोटो और सिग्नेचर. सो इन सभी को आप चूज फाइल्स पर क्लिक करके एक एक करके अपलोड कर दीजिए और फिर अपडेट पर क्लिक कर दीजिए. अगर कुछ आपके फॉर्म में छूट गया है तो वो अभी डिस्प्ले हो जाएगा. तो जो कुछ भी इनकम्प्लीट रह गया है उसे कम्प्लीट कर लीजिए और फिर पेमेंट प्रोसेस कम्प्लीट कर लीजिए. अगर आपको एमटेक 2022 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे.